Hello everyone, how are you all? Hope so you all are doing well. So welcome you all in the YouTube page of Innovative Future Academy. और आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं, नया एक टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है जी, टॉपिक इज स्टेट वर्ब्स. इसका फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डिस्कस टुडे. फाइन. सो स्टेट वर्ब का मैं जो मेन आपको स्ट्रक्चर है वो बता चुकी हूँ, क्या है, कहाँ पे, कैसे यूज होते हैं. कुछ स्टेट वर्ब्स मैंने आपको यहाँ लिखी भी हैं. ठीक है, तो ये वाला वीडियो पूरा देखने से पहले एक बार पिछला वीडियो देख लेना कि स्टेट वर्ब क्या होती है, क्या इनका यूज होता है और किस तरह से यूज नहीं होती है सेंटेंस में. ठीक है, थोड़ी सी स्टेट वर्ब मैंने स्टेट वर्ब यहाँ पे लिख रखी है मैंने, जो पिछले वीडियो में था मैंने आपको एक ज़्यादा लंबी लिस्ट दी थी स्टेट वर्ब की, है ना. और बॉक्स में इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, पिछला वीडियो में भी बॉक्स में यही सारी वर्ब लिखी थी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ये भी स्टेट वर्ब है और ये भी स्टेट वर्ब है, लेकिन ये वाले स्टेट वर्ब जो हैं इनके साथ एक्सेप्शन नहीं है. जितने भी स्टेट वर्ब मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये एक्सेप्शन के साथ आते हैं, दैट्स वाई. ठीक है, आई हैव रिटन ऑल दिस इन द बॉक्स. फाइन, तो हमने पढ़ा क्या था कि ये सारे स्टेट वर्ब जो होते हैं कब कब सेंटेंस में यूज होते हैं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन नॉट फॉर एक्शन. ये बताया था मैंने आपको कि सेंटेंस में हम इनको कभी भी मेन वर्ब की तरह वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं. वी वन प्लस आईएनजी क्या बताता है, कॉन्टिन्यूटी बताता है एक्शन की, है ना. और तो इन सारे वर्ब्स को हम आईएनजी की तरफ यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, हिंदी में बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एज वी नो, नो इज अ स्टेट वर्ब, है ना. वी कांट यूज इन द आईएनजी फॉर्म. ठीक है, जब जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो आई एम नोइंग यू नहीं हम लिख सकते, आई नो यू, यही आपको लिखना पड़ेगा. क्यों? स्टेट वर्ब है, आईएनजी फॉर्मेट में नहीं आएगा. इनको हम सिर्फ किस लिए यूज करते हैं? ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, मैं तुम्हें जानता हूँ. तो ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे यूज होते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स भी करवाए थे प्रीवियस वीडियो में. अभी हम देखते हैं ये जो भी जितने वो मैंने बॉक्स में लिखे हैं ये सारे आपके पास एक्सेप्शन के साथ भी आते हैं. अब एक्सेप्शन क्या है? जब जब ये बॉक्स में रिटन वर्ब आपके पास अपने रियल मीनिंग के साथ आएंगे. रियल मीनिंग का मतलब है स्मेल, पियर, टेस्ट, हियर, सी, है ना. जैसे सी का रियल मीनिंग क्या है? देखना, है ना. आईएनजी लगा देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा. हियर के साथ आईएनजी लगाएंगे इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा. टेस्ट के साथ आईएनजी लगाएंगे अपना मीनिंग चेंज करके आएगा. अपियर के साथ आईएनजी लगाएंगे अपना मीनिंग चेंज कर देगा. ठीक है जी, तो जब जब ये अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ आते हैं ये हमेशा ही स्टेट वर्ब की फॉर्म में रहेंगे. इट मीन्स हम इनके साथ वी वन प्लस आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कभी नहीं कर सकते. ठीक है, और अगर ये अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ ना आके इन सब के साथ अगर हम आईएनजी पुट कर दें, ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज. ठीक है, अगर मैं आईएनजी पुट कर दूं, मीनिंग चेंज हो जाए अगर, तो फिर उस फॉर्म में हम उसको आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज स्मेल. स्मेल का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? अब जब मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछती हूँ स्मेल का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, है ना, वो क्या कहते हैं? स्मेल इज लाइक ऐसी स्मेल जो हमें पसंद ना आए, मतलब गंदी बदबू टाइप्स, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना. पंजेंट स्मेल बोल देते हैं, है ना. तो जो चीज़ हमें जो ऐसी बदबू, एक्चुअल में हिंदी में इसका मीनिंग स्टूडेंट्स लेके आते हैं जी. ठीक है, लेकिन स्मेल का जो ओरिजिनल मीनिंग है, स्मेल जब जब वर्ब का काम करेगा. देखो ये सारे स्टेट वर्ब क्या बोला है मैंने, स्टेट वर्ब्स हैं और सेंटेंस में ये किसका काम करते हैं? मेन वर्ब का. ठीक है, जब जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे तो हमेशा इसी फॉर्मेट में रहते हैं. जब जब मेन वर्ब का काम करेंगे हम वी वन प्लस आई एन जी नहीं लगा सकते हैं इनके साथ, यही मैंने आपको बताया था. तो स्मेल का ओरिजिनल मीनिंग होता है महकना. ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बोल सकती रोज इज स्मेलिंग स्वीट. क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्योंकि अब यहाँ पे स्मेल का मीनिंग क्या आ रहा है? महकना, मतलब रोज जो है वो महक रहा है और वो भीनी भीनी खुशबू है जो मुझे अच्छी लग रही है, मीठी लग रही है ना जी. ठीक है, तो रोज स्मेल्स स्वीट आएगा. आप कभी भी नहीं बोल सकते आपको लिखा हुआ दिया रहेगा रोज इज स्मेलिंग स्वीट, नो, रॉन्ग. ठीक है,
लेकिन लेकिन जब ये स्मेल वर्ड अपने साथ आईएनजी लेके आएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उस केस में आप इस स्मेलिंग को मेन वर्ब में यूज कर सकते हैं। देखो जी, स्मेलिंग का मीनिंग क्या हो गया, जब स्मेल वर्ड के साथ आईएनजी लगा रहे हैं इसका मीनिंग सूंघना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट महकना वाले के साथ आप स्मेलिंग कभी नहीं लिख सकते। आप स्मेलिंग लिख कब सकते हो, जब वो अपना मीनिंग चेंज करके आएगा, और उस केस में फिर आप उस केस में आप सेंटेंस में क्या यूज कर सकते हैं, शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को सूंघ रही है। अब आप देख रहे हैं कि स्मेलिंग का मीनिंग सूंघना आ रहा है, महकना नहीं आ रहा है कि वो फूलों को महक रही है, नहीं ना, ठीक है। तो जब ये सारे स्टेट वर्ब सेंटेंस में अपने अपने रियल मीनिंग से हट के आएंगे, मीनिंग चेंज करके आएंगे, ठीक है, तो वी कैन यूज ऑल देम एज अ मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपीयर वर्ड पे। सेकंड वर्ड मैंने अपीयर लिखा है वहां पे। अपीयर का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है जी, वो होता है टू सीम, टू फील, प्रतीत होना, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे फील हो रहा है या मुझे लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको फील हो रही है, टू सीम, तो वो ओरिजिनल मीनिंग होता है उसका, प्रतीत होना, ठीक है। अब जब ये अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ आएगा अपीयर, तो फिर से वी वन प्लस आई एन जी नहीं लेके आएगा जी। दिस टास्क अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि दिस एग्जाम इज अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है, कि मुझे क्या लग रहा है कि एग्जाम डिफिकल्ट होने वाला है, या इस तरह से, ठीक है। तो अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट कभी नहीं बोलेंगे, दिस एग्जाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, दिस टास्क अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। लेकिन फिर से ये ही अपीयर आई एन जी के साथ अपना मीनिंग चेंज करके आएगा, और मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी पब्लिश्ड या टू कम आउट, ठीक है। पब्लिश होती है ना बुक्स, या फिर टू कम आउट मतलब जैसे स्टेज पे हाजिर होना, टू कम आउट, फाइन। तो ये क्या कह रहा है, अब देखो जब अपीयरिंग के साथ आएगा तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब की जगह पे आ सकता है। यहाँ पे ये अपीयरिंग देखो मेन वर्ब की जगह पे है, यहाँ पे यही अपीयर, दिस टास्क अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट, ये भी मेन वर्ब की जगह पे है और ये भी मेन वर्ब की जगह पे है। लेकिन अब ये अपीयर क्या हुआ, अपीयरिंग बन गया और अपना मीनिंग चेंज करके आया है कि जो बुक है वो नेक्स्ट मंथ क्या हो रही है, पब्लिश हो रही है, ठीक है। तो उस केस में जब अपीयर का मीनिंग पब्लिश होगा, वी कैन यूज इन द आईएनजी फॉर्म, ठीक है। थर्ड है आपके पास टेस्ट, है ना जी। अब फिर से यही होता है, क्लास में जब स्टूडेंट से पूछती हूँ बच्चा टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, है ना, तो बच्चे क्या बोल देते हैं, टेस्ट मतलब किसी चीज को टेस्ट करना, चखना, नहीं। टेस्ट का मीनिंग चखना कब होता है, जब आईएनजी लगा देते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो यहाँ पे टेस्ट का मीनिंग चखना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। जब आप टेस्टिंग बोल रहे हो मीनिंग चखना है, जब आप टेस्ट बोल रहे हो मीनिंग स्वाद है, ठीक है। द फ्लेवर ऑफ समथिंग क्या होता है, टेस्ट, है ना। अब मैं बोल दूँ शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, शुगर मीठा स्वाद दे रही है, ऑलरेडी मीठी है भाई, मीठा स्वाद क्या दे रही है, है ना, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में जाएगा जब ये ओरिजिनल मीनिंग के साथ आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शुगर टेस्ट स्वीट। और जब जब टेस्टिंग लेके आएगा, टेस्ट वर्ड अपने साथ आईएनजी लेके आएगा, वो अपना मीनिंग भी चेंज करके आएगा, दैट मीन्स चखना, ठीक है। आई कैन नॉट सर्व दिस डिश, आई कैन नॉट सर्व दिस डिश विदाउट टेस्टिंग। अब मैं विदाउट टेस्ट नहीं बोल सकती, है ना, कि बिना स्वाद के मैं उसको सर्व नहीं कर सकती, बिना चखे मैं उसको सर्व नहीं कर सकती, फिर वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, विदाउट टेस्टिंग। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं हियर वर्ड की। जो हियर वर्ड है उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, सुनना, टू परसीव विद ईयर्स, है ना। हियर का मीनिंग क्या होता है, सुनना। तो हमें सेंटेंस देख के एक्चुअल में पता लग जाता है कि ये जो वर्ड है, जितने भी ये स्टेट वर्ब मैंने बॉक्स में लिखे हैं, ये अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ आ रहे हैं या फिर मीनिंग चेंज करके आ रहे हैं, वो मुझे एक्चुअल में सेंटेंस देख के ही समझ में आएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है शी हियर्स अ नॉइस, ठीक है, शी हियर्स अ नॉइस, या फिर मैं बोलूँ चलो शी इज हियरिंग अ नॉइस। अब नॉइस की बात हो रही है, इट मीन्स सुनवाई, सुनने की बात हो रही है। अब हियर अपना रियल मीनिंग लेके आ रहा है यहाँ पे, तो शी इज हियरिंग अ नॉइस नहीं होगा, फिर से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हियर यहाँ पे ओरिजिनल मीनिंग के साथ आ रहा है, सुनना इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, फिर से ये स्टेट वर्ब के फॉर्म में आएगा, किस में जाएगा, शी हियर्स अ नॉइस, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट शी इज हियरिंग ए नॉइस, यहाँ पे ना ये एक्शन बता रहा है, बता रहा है ये वर्ड यहाँ पे एक्शन, कि वो आवाज सुन रही है। और यहाँ मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि नॉट फॉर एक्शन, एक्शन के लिए हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं स्टेट वर्ब्स को, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, शी हियर्स अ नॉइस, ठीक है, वो आवाज सुनती है। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ना कि एक्शन है कि वो आवाज सुन रही है। यही हियरिंग आपके पास आईएनजी लेके आता है तो फिर से मीनिंग चेंज करके आता है, दैट इज सुनवाई, कोर्ट की सुनवाई जो होती है उसको हियरिंग कहते हैं, आप सब जानते हैं ये चीज, ठीक है। जजेस हियरिंग अ केस राइट नाउ, ठीक है। अब देखो, आप इज हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब का एक्शन को बताने में, एक्शन के टाइम को बताने में। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, आईएनजी के साथ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुनना इसका मीनिंग नहीं आ रहा है निकल के, है ना जी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका सी, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सी, सी का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, देखना, आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो जब जब फिर से ये सी स्टेट वर्ब है, आपको याद रखना होगा, जब भी आपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ आएगा आप सींग कभी नहीं बोल सकते हो, है ना। मैंने बोला माय फादर इज सींग दैट यू आर स्कोल्डिंग मी, मेरे फादर, मेरे पापा देख रहे हैं कि तुम मुझे स्कोल्ड कर रहे हो, है ना, तुम मुझे डांट रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, ठीक है। तो फिर से हिंदी में, हिंदी निकालने में कितना सही लग रहा है ना, कि मुझे डांटो मत, वो देखो मेरे पापा देख रहे हैं कि तुम मुझे डांट रहे हो, तुम मुझे गालियां दे रहे हो, है ना। लेकिन फिर से सी क्या है, स्टेट वर्ब है, आईएनजी मीनिंग के साथ नहीं, आईएनजी फॉर्मेट में नहीं आएगा अपने ओरिजिनल सेंस जब ये देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माय फादर सीज दैट, आप इसको इंफॉर्मेटिव मोड में ले जाओगे, इंफॉर्मेशन देने वाले मोड में ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या काम करेगा, इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, माई फादर सीज दैट आप करोगे, हिंदी पे नहीं जाना, आप हिंदी निकालोगे ना गलत लगेगा आपको ये, ठीक है। माई फादर सीज दैट यू आर स्कोल्डिंग मी, है ना, कि मेरे पिताजी देखते हैं तुम मुझे डांट रहे हो, नहीं, आपने हिंदी पे नहीं जाना है, आपने देखना है स्टेट वर्ब है, ओरिजिनल मीनिंग के साथ कभी भी वी फोर नहीं लेगा ये। बात करते हैं सींग की, जब इसी सी वर्ड के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया, टू मीट। जब जब हम सी के साथ आईएनजी लगाएंगे और वो सेंटेंस में मेन वर्ब की जगह पे आएगा तो मीनिंग क्या हो जाता है, टू मीट, शी इज सीइंग द डॉक्टर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर को देख रही है, नहीं, क्योंकि जब जब सी का मीनिंग देखना होता है तब तो वो कभी आईएनजी वाले फॉर्मेट में आ ही नहीं सकता। सी के साथ आईएनजी लगा दिया, मीनिंग हो गया टू मीट, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर तो आप इन सारी चीज़ों को इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो के गो थ्रू हो जाइए एक बार, ठीक है। आपको मैंने उस वीडियो में इलैबोरेट करके बताया है अच्छे से कि स्टेट वर्ब क्या होती हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन कौन सी होती हैं। आज सिर्फ मैंने एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। जब जब ये सारी स्टेट वर्ब अपने ओरिजिनल मीनिंग से हट के किसी और मीनिंग के साथ आती हैं सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब, ठीक है, सो दैट टाइम वी कैन यूज ऑल दिस वर्ब्स इन आईएनजी फॉर्मेट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा जो ये स्टेट वर्ब का टॉपिक है ना, ये स्टेट वर्ब जो टॉपिक है, ये जो स्टेट वर्ब्स हैं एक्चुअली में एग्जाम में आती भी हैं, और अगर हमने नहीं पढ़ी होती तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि ये स्टेट वर्ब है या यहाँ पे स्टेट वर्ब का एरर है, हमें एग्जाम में नहीं पता चलता है, जितना मर्जी कोशिश कर लो। आप ग्रामेटिकली जितने मर्जी अच्छे हों, आपको टेंसेस जितने मर्जी अच्छे से आते हों, लेकिन अगर आपको स्टेट वर्ब पहचाननी नहीं आ रही है, ठीक है, उस केस में आप कभी भी पेपर में एरर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? देख लो आप सामने, आपके पास सेंटेंस, ये सेंटेंस बिल्कुल सामने लिखा है कि ये ग्रामेटिकली मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, माई फादर इज सींग दैट। अगर मुझे नहीं नॉलेज कि सी अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ आईएनजी फॉर्मेट में नहीं आता है तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करके आते हैं पेपर में, ठीक है। तो स्टेट वर्ब को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसी तरह कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, आने ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो आने वाली वीडियो में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताती जाऊँगी, ठीक है। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।